नमस्कार। फिजियोलॉजी के इस नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के बारे में, और यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बैरोरिसेप्टर काम करता है। आगे बढ़ने से पहले हमें आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। यह बैरोरिसेप्टर किस लेवल पर काम करता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब कभी भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता है तो उसके लिए कुछ रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म है जो बहुत तेजी से काम करता है। यह विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स एक्ट करता है, जबकि इंटरमीडिएट एक्टिंग मैकेनिज्म कुछ हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का वक्त लेते हैं। तो ये मिनट्स टू आर्स तक का वक्त लेते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 to 10 days लग जाते हैं। तो विद इन सेकेंड टू मिनट्स वाले प्लानिंग जो हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस का मैकेनिज्म है, जिसमें हम विद इन सेकेंड टू मिनट्स में अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं, उसमें बैरोरिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म या रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की बात हम करेंगे इस टॉपिक में। इसके अलावा आगे हम CNS इस्ट्रिमिक रिस्पॉन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये विद इन सेकेंड टू मिनट्स ये काम करने वाली मैकेनिज्म है जिसके बारे में आगे हमें चर्चा करना है। इंटरमीडिएट की जब हम बात करते हैं तो इसमें रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन मीडिएटेड वैसो कॉन्स्ट्रक्टर कुछ मैकेनिज्म होती हैं वो काम करती हैं। फिर स्ट्रेस रिलैक्सेशन और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म भी होती है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टारगेट है बैरोरिसेप्टर, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट यानी कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में जो काम करने वाली मैकेनिज्म है जिसमें फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म भी होती है, ये सभी के सभी इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में आते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म के बारे में तो इसमें रीनल ब्लड वॉल्यूम प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, इसमें ADH काम करेगा, ANP काम करेगा, एल्डोस्टेरोन काम करेंगे, रास एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करेंगे। बहुत लंबा समय लेता है, इसके एक्शन में 3 से लेकर 10 दिन तक लग जाते हैं। तो आज का हमारा ये शॉर्ट या रैपिडली एक्टिंग विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स जो काम करने वाली मैकेनिज्म है उसके बारे में चर्चा करने का टारगेट है। हम बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पर बात करेंगे। इसमें हमें पता होना चाहिए बैरोरिसेप्टर्स 2 लोकेशन पर हैं। एक आप यहां पर देख सकते हैं कैरोटिड साइनस के लेवल पर ये बैरोरिसेप्टर जो कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन के लेवल पर है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरा एआर्टिक आर्क के लेवल पर है, तो आप देखेंगे एआर्टिक आर्क की वॉल्स में एक बैरोरिसेप्टर है, दूसरा कैरोटिड साइनस के पास बैरोरिसेप्टर्स है। आप इन दोनों के लोकेशन को समझे रहिएगा तो आगे समझना आसान हो जाता है। एक बात यह भी याद रखिएगा जो कैरोटिड साइनस का बैरोरिसेप्टर है ये आमतौर पर स्टिमुलेट नहीं होता, यह 0 से लेकर 50 या 70 तक के जो प्रेशर्स होते हैं उसके लेवल तक ये एक्टिवेट नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो सौमन मन्ना की जो फिजियोलॉजी की रिव्यू बुक है बहुत अच्छी है, मैं जो भी लेक्चर्स आपको दे रहा हूं वहां से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जब आप इसको रिवाइज करना चाहेंगे। तो यहां पर कैरोटिड साइनस के बैरोरिसेप्टर 0 से लेकर 50 to 70 के बीच में बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होते, 70 से ऊपर हो गया मामला तो ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो इनमें दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने सिग्नल को 9th cranial nerves के द्वारा कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर तक भेजते हैं। बात समझ में आया, ये 9th के द्वारा। तो ये 70 से शुरू होता है और मैक्सिमम रिस्पॉन्स जब ये सबसे ज्यादा इरिटेट होता है 170 mmHg पर तो समय ये अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स भेजता है। दूसरा एओर्टिक आर्क के पास पाए जाने वाला बैरोरिसेप्टर, आप देखें ये थोड़ा सा हायर लेवल
30 mm और हायर लेवल पर ये जाकर के एक्टिवेट होता है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जैसा कैरोटिड साइनस का होता है। इसका अफरेंट पाथ 10th क्रैनियल नर्व्स के द्वारा पहुंचता है। ये दोनों ही रिसेप्टर्स फ्लक्चुएशंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर फ्लक्चुएशंस चेंजिंग प्रेशर हो रहा है तो उस समय ज्यादा सेंसिटिव होंगे। अगर आप ये कहें कि लगातार हायर प्रेशर बना हुआ है तो क्या ये लगातार एक्टिव रहेंगे? नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? बात ये फ्लक्चुएशंस की बेसिस पर लगातार इंपल्स भेजते हैं। ये फ्लक्चुएशंस होने पर लगातार इंपल्स भेजते हैं। इसके कंपैरिजन में कि जब कांस्टेंट हाई प्रेशर रहे तो उस समय इनके सिग्नल्स उतने अच्छे तरीके से कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर तक नहीं पहुंचते हैं। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। आप देखें रिफ्लेक्स एक्शन की मैंने बात किया। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या होना चाहिए? एक आर्क बनना चाहिए। आर्क देखते हैं बनता है क्या? बिल्कुल बनेगा। आप देखें रिसेप्टर यहां पर है। कहां पर है? यहां पर। और जैसा कि हम किसी भी सिंपल रिफ्लेक्स आर्क्स के बारे में पढ़े हुए हैं, कुछ वैसा ही यहां पर भी होगा। एक रिसेप्टर होना चाहिए। आप एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में जानते हैं, एक रिसेप्टर होना चाहिए, फिर एक सेंटर बॉडी होनी चाहिए और उसके बाद एक मोटर रिस्पॉन्स होना चाहिए। लगभग ऐसा ही हमें यहां पर देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि किस तरीके से यहां 9th और 10th नर्व्स में आप देखें तो ये 9th नर्व साइनस नर्व ऑफ हेरिंग है, जबकि 10th नर्व वेगस नर्व है। ये दोनों ही अफरेंट का काम कर रहे हैं। रिसेप्टर यहां पर है, अफरेंट का काम यहां पर हो रहा है। और इसके बाद सेंटर फॉर रिफ्लेक्स आप देखें मेडुला में है। मेडुला में कौन से सेंटर हैं, इसके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वीएमसी और सीआईसी के बारे में। तो वीएमसी और सीआईसी इसके सेंटर फॉर रिफ्लेक्स हैं। और उसके बाद हमें करना क्या है इस पर ध्यान देते हुए, जैसे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म का एक मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर पाथवे होता है, वैसे ही यहां पर भी पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है। तो इफरेंट पाथवे के द्वारा आप यहां पर देखें, इफरेंट पाथवे के द्वारा दो काम होता है। एक तो वेगस नर्व पैरासिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए यहां काम करेगी और दूसरा अगर जरूरी पड़ा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी यहां पर काम कर सकता है। आप देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे नोड पर काम कर रहा है। कहां पर? ऐसे नोड पर। क्या इसके एक्शन को आप देख पा रहे हैं? यह भी कहां पर काम कर रहा है? ऐसे नोड पर। कौन? पैरासिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। यहीं पर आप देखें तो एड्रिनल मेडुला का भी एक पार्ट है जो कि हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली ऐसे नोड को एक्टिवेट करता है। तो आज हमने सीखा एड्रिनल मेडुला के बारे में भी कि यह कैसे आकर के ऐसे नोड को एक्टिवेट करेगा। आप ओवरऑल देखें तो इस पूरे रिस्पॉन्स में हुआ क्या? रिसेप्टर है, अफ्रंट पाथ है, सेंटर है, रिस्पॉन्स है। इस तरीके से जब मामला मेडुला में पहुंचता है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के भीतर कार्डियक कंट्रोल सेंटर्स के रूप में दो सेंटर हैं, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। इसमें कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर वीएमसी और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर सीआईसी दोनों का काम अलग अलग है। सीआईसी कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो कि आगे पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट करेगा, जबकि कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर आवश्यकता पड़ने पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स को एक्टिवेट करता है। तो जैसी जरूरत रहेगी वैसे काम होगा। अल्टीमेटली रिस्पॉन्स क्या मिलेगा उसको आप देखें तो इसका काम क्या होगा? फास्ट एक्टिंग रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, पेरिफेरल रेसिस्टेंस को बढ़ा करके तुरंत अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसे मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, पेरिफेरल रेसिस्टेंस इन्हें कम करके बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की प्रयास की जाती है। अब यहीं पर देखें एक एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए हमारा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसके कारण बैरोसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। इसके कारण फायरिंग रेट 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स की बढ़ जाएगी और इसके कारण दो काम होगा।
ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसे कम करना है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस ट्रैक्टस सैलिटोरियस एक्टिवेट होगा और ये फर्दर पैरासिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो पैरासिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा करके हार्ट रेट को घटाने का प्रयास करेगा। वहीं पर आप देखें तो कार्डियो एक्सेलेरेटर एक्टिविटी या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर्स को इनहिबिट किया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, यहां पर इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्डियो जो कार्डियक एक्सेलेरेटर पाथ है उसे डिक्रीज किया जाएगा ताकि हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज किया जा सके और वैसोडायलेशन बनाया जा सके। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यह काम होगा, पैरासिंपैथेटिक बढ़ाया जाएगा, सिंपैथेटिक को कम किया जाएगा। तो चलिए इस चीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैसोमोटर सेंटर, आप समझ सकते हैं मोटर है, तेज करेगा, यानी इसे इनहिबिट किया जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसे इनहिबिट किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये बैरोरिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो सबसे पहले एनटीएस का मतलब, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। आप सामान्य सी भाषा में ये समझें कि ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस या न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक एक्चुअल में पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ही सेंटर पर अपना नियंत्रण रखता है, लेकिन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्शन रखने के लिए दो तरीके से काम करता है। अभी यह बात, यही टर्निंग पॉइंट है, अगर यह समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस डायरेक्टली CVC या फिर CIC यानी कार्डियोवेगल सेंटर को या फिर कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है, जबकि ये पैरासिंपैथेटिक सिस्टम यानी CVC CIC को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने के लिए या बीच में मदद लेता है CVLM की। CVLM क्या है? काउडल वेंट्रोलेटरल मेडुला, CVLM इसके इनडायरेक्ट मदद लेता है, और उसके बाद ये RVLM को इनहिबिट कर देगा। आप बात समझें, इसका काम है एक्टिव करना, किसको, चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिंपैथेटिक हो। पैरासिंपैथेटिक एक बार में ही एक्टिव हो जाएगा, लेकिन सिंपैथेटिक के पाथ में पहले CVLM होता है फिर RVLM होता है। बात समझ, सी पहले आता है आर बाद में आता है। तो इसको तो इसने एक्टिवेट किया, जब ये एक्टिव होता है तो यह इसको दबा देता है। बात समझे आप? अब आपको बात समझ में आ गया होगा, पैरासिंपैथेटिक को इसने बढ़ाया तो उसी समय सिंपैथेटिक को घटाना था, कैसे घटाएगा? तो यह खुद ना घटा करके एक ऐसे सेंटर को एक्टिव करता है जिसका काम होता है इसको दबाने का, ठीक है? तो CVLM को एक्टिव किया, उसके कारण यह दब गया, क्योंकि यह इनहिबिटरी रिस्पॉन्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है। तो इसके कारण जब यह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस किया गया तो इसके कारण RVLM यानी रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला, रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला या फिर इसी को वैसोमोटर सेंटर कहते हैं, ये इनहिबिट हो जाता है। ये रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला या फिर वैसोमोटर सेंटर जब इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, इसकी फायरिंग अब आगे रुक जाएगी और यह डायरेक्ट एक्टिव हुआ है तो पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। तो इसके कारण हार्ट पर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि अब ब्लड प्रेशर ज्यादा था तो रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आया कि पैरासिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को लीड करना है, क्योंकि हम जानते हैं RVLM यानी रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला या जिसे हम जिसका दूसरा नाम वैसोमोटर सेंटर है, जो कि अपने आप में लगातार टोनिकली एक्टिव रहने वाला सिस्टम है, या टोनिकली एक्टिव रहने वाला सिस्टम एक्चुअली थोराको लंबर स्पाइनल कार्ड के द्वारा यह सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को हमने सप्रेस कर दिया तो हार्ट पर पूरा का पूरा जो एक्शन होगा वो
पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में होगा। तो बीपी बढ़ने पर कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। दो तरीके के नर्व्स जो एफरेंट पाथवे का हिस्सा होते हैं वो यहां पर पहुंचते हैं, और मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस या फिर न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक, ये एक्साइट करती है दो सेंटर्स को जिसमें ग्लूटामिन रिलीज किया जाता है। अब ये CVLM काउडल वेंट्रोलेट्रल मेडुला अगले सेंटर को इनहिबिट करता है गाबा रिलीज करके, आप समझ गए, तो गाबा रिलीज करके ये काम करता है। तो बैरोरिसेप्टर का इस तरीके का रिस्पॉन्स हमने समझा, और इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होगा हमने देख लिया कि सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट किया गया, इसके कारण स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन घट जाएगा, और इसी समय पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट किया गया है, तो सॉरी एक्सेलरेट किया गया है, पैरासिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करने के कारण हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये वेगस नर्व के द्वारा हुआ, और इसको हमने सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को स्लो डाउन करने के कारण हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दिया, दोनों ही कम हो गए, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट कम हुआ, यानी कार्डियक आउटपुट कम हुआ, यानी ब्लड प्रेशर कम हुआ। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। बैरोरिसेप्टर में एक अफरेंट पाथ रहा जिसने न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस जो सेंटर में है उसको जाकर के एक्टिवेट किया। आप समझ सकते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पाथवे का रिसेप्टर है, अफरेंट पाथवे है, और उसके बाद NTS जो सेंटर यानी मेडुला में बैठा हुआ पार्ट है वो CVLM और CVC या CIC को एक्टिव करता है। ये CVLM एक्चुअल में RVLM को इनहिबिट करते हैं, हमने यही समझा था ना कि इस रिफ्लेक्स पाथ में क्या हुआ, पूरा का पूरा एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। ये रिफ्लेक्स पाथवे कैसे काम किया मैंने आपको बताया, इसमें CVLM आगे RVLM जो कि टोनिकली एक्टिव रहने वाला सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करने वाला सिस्टम था उसको इनहिबिट किया और इसको एक्टिव कर दिया, इसके कारण एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स पैदा हुआ। फिर हम इसके अपोजिट बात करेंगे कि अगर हमारा ब्लड लॉस होता है कहीं पर तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं जब कभी भी ब्लड लॉस होता है तो बैरोरिसेप्टर इनहिबिट हो जाते हैं, तो कैसे रिस्पॉन्स होगा उसका अपोजिट होगा, इस बात को हम समझ सकते हैं, और इसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।